भवसागर की भीषण लहरों को केवल भगवान के गुणानुवाद रूपी नौका के आश्रय से ही पार किया जा सकता है, और यह गुणानुवाद बिना भगवान के जनों के उपलब्ध होने वाला नहीं है। इसलिए भगवत जनों का आश्रय अनिवार्य है। ध्रुव जी महाराज ने, श्री भगवान ने उन्हें ध्रुव पद प्रदान किया है। लेकिन यह ध्रुव पद पाने के बाद भी श्री ध्रुव जी महाराज का शोक नहीं दूर हुआ। ध्रुव जी महाराज मन ही मन विचार करने लगे, देखो माया ने कैसा मुझे ठगा। भगवान को पाने के बाद भी कहीं ना कहीं मेरे मन में सूक्ष्म इच्छा राज्य आदि की रह ही गई, जिसके कारण ध्रुव पद अचल पद तो मुझे मिल गया, लेकिन जो भगवत प्राप्ति, जो परम उपलब्धि होनी चाहिए थी, भगवान को पाकर भी मैं उनसे दूर हो गया। इसलिए श्रीमद् गीता जी में भगवान ने स्पष्ट कहा है, ततः परम तत्परिमार्गितव्यम, मुझे पाने के लिए, मुझे खोजने के लिए तब चलना जब दृढ़ेन छित्वा, जब असंगता की तलवार से तुम अपनी सब आसक्तियों को, अपनी इच्छाओं को जब तुम काट डालो, समाप्त कर दो, तब तुम मुझे ढूंढने चलना, नहीं तो मेरी प्राप्ति के बाद भी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब ध्रुव जी को भी तो भगवान मिल गए, लेकिन भगवान मिलने के बाद भी फिर भगवान अंतर्धान हो गए। अब ध्रुव जी को ध्रुव पद मिल गया तो ध्रुव जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, 36,000 वर्ष के लिए राज्य शासन और मिल गया, देखो कितने लंबे समय का अंतराल भगवान से हमारा हो गया, दूरी बढ़ गई। हमारी जो सूक्ष्म असद वृत्तियां हमारे चित्त में हैं, कई बार जिनकी हम उपेक्षा कर देते हैं, अरे छोटी सी तो इच्छा है, ये छोटी सी तो कामना है, लेकिन हम जानते नहीं यह कितनी घातक हो सकती है। ये छोटी छोटी इच्छाएं ही हमें भगवान से दूर कर देती हैं, छोटी छोटी सांसारिक इच्छाएं हैं भगवान से दूर कर देती, दूरी पैदा कर देती हैं। तो ध्रुव चरित्र, सती चरित्र में धर्म, ध्रुव चरित्र में अर्थ, और श्री पृथु जी महाराज के चरित्र में आगे श्री मैत्रेय जी महाराज ने काम का वर्णन किया। चार पुरुषार्थों में तीसरी चीज है काम। ध्रुव जी के ही वंश में आगे चलकर महाराज अंग हुए हैं, जिनसे वेन और वेन के भुजा मंथन से महाराज पृथु जी का प्रादुर्भाव हुआ। साक्षात भगवान ही पृथु जी के रूप में पधारे हैं, और यहाँ श्री पृथु जी महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञों को किया है। बार बार 99 यज्ञ जब हो गए, एक यज्ञ बाकी रह गया, इंद्र बार बार विघ्न डालने लगे। इंद्र घबरा रहे थे कहीं ऐसा ना हो इनके यज्ञ पूरे हो जाएं और ये देवराज बन जाएं, ये इंद्र बन जाएं, हमें स्वर्ग खाली करना पड़े। इंद्र घबरा रहे थे पद के मोह में, लेकिन भक्त को स्वर्ग आदि के, वो भगवत धाम नहीं चाहता, स्वर्ग आदि क्या चाहेगा। पृथु जी महाराज ने मन में विचार किया, इससे इंद्र के अंदर मात्सर्य पैदा होगा, चलो यज्ञ यहीं बंद कर दें। यज्ञ वहीं बंद कर दिया। भगवान प्रसन्न होकर पृथु जी के निकट आए हैं, और श्री भगवान ने पृथु जी को कहा है, अब आप कोई भी वरदान जो चाहें हमसे मांग लें। पृथु जी ने प्रार्थना की, नाथ वरान विभो त्वद वरदेश्वराद बुधः कथम वृणीते गुण विक्रियात्मनाम, ये नारकाणाम अपि संति देहिनाम तानीश कैवल्य पते व्रणे नच। हे वरदेश्वर भगवान, आप सब वरदान देने में समर्थ हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे न तो पृथ्वी का कोई वस्तु पदार्थ चाहता हूँ, न स्वर्गीय कोई इच्छा रखता हूँ, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप मोक्ष दे सकते हैं, पर मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। न काम ये नाथ तदप्य हम क्वचन, मोक्ष भी नहीं चाहिए, इससे बड़ी और क्या इच्छा होगी।
तो भगवान ने कहा, पृथ्वी जी हम आपसे मांगने के लिए कह रहे हैं और आप इतना बड़ा अवसर चूक रहे हैं, अरे जो चाहिए सो मांग लें। पृथ्वी जी महाराज ने कहा, नाथ नयत्र युष्मत् चरणाम्बुजासव, मोक्ष चाहकर क्या करूँगा, वहाँ आपके चरण कमलों का सुख नहीं है, रस नहीं है मोक्ष में। मोक्ष मिलने से इतना ही तो होगा, जन्म नहीं होगा बार बार, मरण नहीं होगा, जन्म मरण से छूट गए मोक्ष हो गया। लेकिन ना मैं जन्म से घबराता हूँ ना मृत्यु से भयभीत होता हूँ, मोक्ष मुझे चाहिए नहीं, तब क्या चाहिए? तो पृथ्वी जी महाराज ने कहा, महत्त मान्तर हृदयान मुखच्युतो विदत्सु करुणायुत मेषमेवरः। आप तो कृपा करें मुझे ऐसे महापुरुषों का संग दे दें जिनके मुख से निरंतर कथा वार्ता के द्वारा आपके चरणों को छूकर आने वाली वायु ही मुझे प्राप्त होती रहे। जो भगवान के विशुद्धांतःकरण भक्त होते हैं, जिनके अंतःकरण में श्री भगवान विराजित हैं, वे भक्तजन जब कुछ भी कहते बोलते हैं तो उनके मुख से जो वायु निकलती है वो भगवान के चरणों का स्पर्श करके निकलती है, और वही वायु सुनने वाले के कान से प्रवेश करके उसके हृदय में चली जाती है। कथा के माध्यम से भक्त के हृदय से श्रोता के हृदय में भगवान ही प्रतिष्ठित होते हैं, उनके हृदय से, उनकी वायु के माध्यम से, उनके मुख से निकलने वाली वायु के माध्यम से भगवान ही एक हृदय से दूसरे हृदय में विराजित होते हैं। पृथ्वी जी महाराज ने कहा, प्रभो मोक्ष में यह सुख कहाँ जो आपके लीला कथा के श्रवण में है। सा उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत पदाम भोज सुधा कणानिलह स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानाम कुयोगिनाम नो वितरत तलम वरैः। उस कथा को सुनने से क्या लाभ होगा? बोले स्मृति प्राप्त हो जाएगी। तो अभी क्या स्मृति दूषित हो गई है? बोले अभी तो स्मृति है ही नहीं, अभी तो गलत स्मृति है। मैं पुरुष हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं बालक हूँ, मैं माँ हूँ, मैं प्रतिष्ठित हूँ, मैं सम्मानित व्यक्ति हूँ, ये गलत स्मृति अभी हम लोगों के अंदर है। सही स्मृति क्या है? सही स्मृति तो केवल एक ही है। सही स्मृति यह जीव श्री भगवान का नित्य कृष्णेर दास, ये नित्य श्री कृष्ण का दास है, यही सही स्मृति है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यही सही स्मृति है। अथवा ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, ये जीव मेरा ही अंश है, यही सही स्मृति है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, अभी ऐसी स्मृति हमें कहाँ रहती है? अभी तो ये पुत्र है, हम पिता हैं, मैं माँ हूँ, मैं स्त्री हूँ, अभी इस प्रकार की दूषित स्मृति हम लोगों को प्राप्त है। बार बार भगवत कथा जब कान के माध्यम से, किसी विशुद्ध महापुरुष के मुख से बार बार कथा जब कर्ण के माध्यम से अंतःकरण में जाएगी, तभी विशुद्ध स्मृति लौटेगी, शुद्ध स्मृति लौटेगी। इसलिए हे नाथ आप कृपा करें, करणायुत मेष मेवरह, मुझे 10,000 कान अर्थात इतनी श्रवण सामर्थ्य प्रदान कर दें कि निरंतर सुनने के बाद भी मेरा मन कथा कीर्तन से तृप्त ना हो, ऐसी अभिलाषा मुझे प्रदान कर दें। सच्चा श्रोता कौन? जो एक बार सुनकर तृप्त हो गया वो श्रोता कहाँ? परीक्षित जी के विषय में भक्तमाल में लिखा है, श्रवण रसिक कहूँ सुने न परीक्षित से, पानहू करत लागी कोटि गुनी प्यास है। जितनी कथा पीते करोड़ों गुना प्यास और बढ़ जाती है। ये श्रवण का सही स्वरूप है। और सुनकर जो तृप्त हो गया उसने सुना ही कहाँ? इसे सुनकर भला किसी को तृप्ति हो सकती? हो ही नहीं सकती। जिसे सुनकर पिपासा निरंतर बढ़ती रहे और सुनने को मिल जाए और ये कथामृत पीने को मिल जाए, ये सुनना सच्चा सुनना है। श्री पृथु जी महाराज ने भगवान से इच्छा की है, एक तो विशुद्ध महापुरुषों के द्वारा कथा का सौभाग्य प्राप्त हो, दूसरा श्रवण की ऐसी अभिलाषा प्राप्त हो, सुनने की ऐसी इच्छा प्राप्त हो जो बार बार सुनने के बाद भी कभी तृप्त ना हो।
श्री भगवान पृथु जी महाराज की इच्छा जानकर बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय श्री ठाकुर जी अंतर्धान हुए हैं और पृथु जी महाराज को श्री सनकादिक मुनीश्वर का सत्संग प्राप्त हो गया। पृथु जी यही तो चाहे हैं ना कि बार बार मुझे सत्संग सुख मिले। सनकादिक मुनि आए हैं और पृथु जी महाराज के साथ दिव्य सत्संग किए हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक पृथु जी को देखकर सनकादिक मुनि ने कहा है। सनकादिक मुनि बोले, महाराज देखो, जिज्ञासा किस विषय की होती है? जिस विषय में हमारा अधिक लगाव होता है, अधिक हमारा संग होता है, आसक्ति होती है, उसी के बारे में हम बार बार सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। अब एक संसारी आदमी किसी संत के पास भी चला जाए तो वो अपनी संसारी उधेड़बुन लेकर जाएगा, धंधा कैसे बढ़े और क्या किया जाए, मुनाफा कैसे हो। लेकिन यहाँ पृथु जी को जब सनकादिक मुनि का सत्संग मिला है तो पृथु जी ने कृष्ण विषयक जिज्ञासा की है। उस जिज्ञासा को सुनते ही सनकादिक मुनि जान गए कि पृथु जी के अंतःकरण में सिवाय श्री कृष्ण नैष्ठ कृति के कुछ है ही नहीं। और सनकादिक मुनि ने यहाँ तक कह दिया, रतिर दुरापा विदुनोति नैष्ठ की कामम कषायम मलमंतरात्मनः। पृथु जी, आपके चित्त में जो कृष्ण प्रेम है ना, ये आपकी जिज्ञासा से दिखाई पड़ रहा है। और रतिर दुरापा, ये मिलना बहुत कठिन है। लोगों के मन में कहाँ कृष्ण कथा सुनने की चाह होती है, कहाँ ठाकुर जी के विषय में कुछ जानने की इच्छा होती है। अरे यही हो जाए तो ब्रह्मसूत्र का तो सार ही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान को जानने की, पाने की अगर इच्छा ही पैदा हो जाए तो यही तो मानव जीवन का परम फल है। पर ये इच्छा होती कहाँ है? कितने से लोग हैं जो सुन पाते हैं या सुनने की इच्छा रखते हैं या यहाँ आ सकते हैं? बहु कम संख्यक लोग होते हैं, बहुत अल्पसंख्यक। तो सनकादिक मुनि ने कहा, पृथु जी रतिर दुरापा, ये रति, ये प्रेम मिलना बहुत कठिन है। ठाकुर जी के प्रति रुचि होना बहुत कठिन है, पर यदि रुचि मात्र भी हो जाए तो कामम कषायम मलमंतरात्मनः, ये अंतःकरण के मैल को धो देती है। अंतःकरण का सबसे बड़ा मैल है काम, ये अंतःकरण का सबसे बड़ा मैल है। जब श्री भगवान को जानने की इच्छा होगी, जब भगवान के बारे में सुनने की इच्छा होगी, तो उस इच्छा मात्र से काम रूपी मल का धुलना आरंभ हो जाएगा। इच्छा मात्र से हम यहाँ आए नहीं, आ नहीं सके, लेकिन आने की एक इच्छा प्रकट हुई, चलो कथा श्रवण की जाए, कथा का सौभाग्य मिले, भक्त संग का सौभाग्य मिले, इतनी सी इच्छा यदि हृदय में आ गई तो कामरूपी कषाय जो है वो धीरे धीरे समाप्त होना आरंभ हो जाएगा, धीरे धीरे धुलना आरंभ हो जाएगा। केवल प्रश्न सुन के ही जान गए सनकादिक मुनि की पृथु जी के अंतःकरण में क्या है। आदमी की जिज्ञासा ही बता देती है कि हमारे अंतःकरण में है क्या। तब सनकादिक मुनि ने बड़ा सुंदर सत्संग श्री पृथु जी महाराज के साथ किया है। काम हो तो पृथु जी के जैसा निरंतर कथा भगवत गुणानुवाद की इच्छा, ये इच्छा सच्ची इच्छा, ये काम सच्चा काम है। मलुकदास जी महाराज ने कहा है, काम मिलावे राम सो जो यह राखे जीत। काम भी भगवान से मिला सकता है यदि काम का संबंध भगवान से हो जाए। आगे प्राचीन बरही को पुरंजन उपाख्यान श्री नारद जी महाराज ने श्रवण कराया है और पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का उन्होंने वर्णन किया है। इस तरह से मैत्रेय जी और विदुर जी के संवाद के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ चार चरित्रों के माध्यम से श्री परीक्षित जी ने श्रवण किए और उसके बाद परीक्षित जी महाराज ने स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र श्री प्रियव्रत जी महाराज के विषय में जानना चाहा। प्रियव्रत जी कौन हैं, ये मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हैं, किस तरह इनको भक्ति की प्राप्ति हुई सदगृहस्थ धर्म में। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे प्रियव्रत जी का चरित्र वर्णन किया। प्रियव्रत जी महाराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से विवाह किया है, 10 पुत्र हुए हैं जिनमें
आग्निद्र से राजा नाभि का जन्म हुआ है और नाभि के यहाँ श्री ऋषभदेव जी महाराज के रूप में स्वयं भगवान ने अवतार लिया। बोले श्री ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव जी पधारे हैं और श्री ऋषभदेव जी महाराज ने अपने जीवन में एक सच्चे राजा का, सच्चे गुरु का, सच्चे पिता और सच्चे पति का कर्तव्य स्थापित किया है। जिस समय ऋषभदेव जी पधारे हैं, इन्होंने भी सदग्रस्त धर्म को स्वीकार किया, 100 पुत्रों को जन्म दिया और एक बार ब्रह्मावर्त क्षेत्र में अपने सभी पुत्र और प्रजाजनों को इन्होंने बहुत सुंदर शिक्षा दी। ऋषभदेव जी महाराज की शिक्षा बहुत सुंदर है, लेकिन इनकी शिक्षा में 2 बातों पर बहुत महत्व दिया गया है। सबसे पहली चीज, इंद्रिय संबंधी विषयों से विरक्ति। हर मनुष्य के पास 10 इंद्रियां हैं। प्रहलाद जी महाराज ने तो कहा है, बहवो सपत्नः, हे नाथ, जैसे किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक पत्नियां मिल जाएं, तो जैसे एक से अधिक पत्नी को रखने वाले व्यक्ति की दुर्दशा होती है, ऐसे ही हम सब जीवों की दुर्दशा हो रही है। अब चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, 10-10 पत्नियां आपने हमें दे रखी हैं। वो 10 पत्नियां कौन हैं? 10 पत्नियां हैं हमारी 10 इंद्रियां। और जैसे एक पत्नी अपने पति से अपेक्षा करती है, आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे वो चाहिए, चलो एक पत्नी की अपेक्षा तो फिर भी पूरी आदमी करने की कोशिश करे, पर जिसकी 10-10 पत्नियां हों, वो अपनी पत्नियों की कहाँ तक इच्छा पूरी करेगा। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर भाव कहा, जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता, शिष्णोन्यतस्त्व गुदरम श्रवणम कुतश्चित, घ्राणोन्यतश्च पलद्रक क्वच कर्म शक्ति, बहुवयः सपत्न्यः गेह पतिम लुनंतिम। जैसे बहुत सी पत्नियां एक पति को लूट लेती हैं, ऐसे ही हे नाथ, ये जीव निरंतर 10 पत्नियों से लुट रहा है। कैसे लुट रहा है? बोले जिह्वै कतोच्युत, जीव अपनी ओर खींच रही है, आज हमें ये खाना है, आज हमें वो खाना है, आज ये खाना है। अब छोटी सी जीव 6 फुट के आदमी को नचा रही है और जहाँ जहाँ नचा रही है वहीं वहीं नाच रहा है। तो एक जीव की अपेक्षाएं कितनी होती हैं, कितनी अपेक्षा होती हैं। हमारा सुबह से संध्या पर्यंत केवल अपनी इन इंद्रियों के पोषण तोषण में ही समय निकल जाता है। और अभी तृप्ता, चाहे जितना इनको तृप्त करने की कोशिश करो, लेकिन ये कभी तृप्त नहीं होती। गीता जी में भगवान ने इसको दुष्पूर आग कहा, इन इंद्रियों में दुष्पूर आग है। दुष्पूर आग माने जो आग कभी जिसका पेट ना भरे, दुष्पूर ऋणा न लेना चाहे। जैसे आग है, आग में आप चाहे जो डाल दो, जितना डाल दो, आग कभी नहीं कहेगी भाई पेट भर गया, बहुत हो गया। वैसे ही इंद्रियां हैं, दिन भर खिलाया, कल फिर खाने के लिए तैयार हो जाएंगी, फिर परसों फिर खाने के लिए उत्सुक हो जाएंगी। आँख अपना कुछ चाहेगी, घ्राणोन्यतश, नाक को अपना विषय चाहिए, आँख को अपना विषय चाहिए, आज ये देखें, आज वो देखें, आज वहाँ जाएं, आज वहाँ जाएं, कान को अपना विषय चाहिए। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 पत्नियां, चाहे ब्रह्मचारी है चाहे यति है, सभी के पास हैं। लेकिन श्री ऋषभदेव जी महाराज कह रहे हैं, नायम देहो देह भाजाम दृलोके, कष्टान कामान अरहते विडभुजाम। ये मनुष्य जीवन इंद्रियों के तोषण के लिए नहीं मिला है। जो समय हमारा इंद्रिय पोषण में जा रहा है, ये समय इंद्रिय पोषण के लिए मिला नहीं है। सूरदास जी ने पद में कहा है, नर देही दीन्ही सुमिरन को, मो पापी सो कछु न सरी। जो जीवन भजन के लिए मिला था, वो हमारा इंद्रिय तोषण में जा रहा है। कामान कष्टान अरहते विडभुजाम ये। और ध्यान रखें, इंद्रियों को सुख उतना ही मिलता है जैसे एक मनुष्य है, किसी को लड्डू खाना अच्छा लगता है, एक मनुष्य को लड्डू खाने में जो सुख मिलता है, वही एक शूकर को विष्ठा खाने में मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। मानस जी में गोसाई जी ने कहा है, सरिस स्वान मघवान युवानु। एक कुत्ते को विषय भोगने में जो आनंद मिलता है, वही एक मनुष्य को विषय भोगने में
और वही देवराज इंद्र को एक अप्सरा के साथ वैशेक आनंद लेने में वही आनंद उतना ही सुख उसको मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। अब हम स्वयं विचार करें, शुक्री विष्ठा को खाने में हम लोग आनंदित हो रहे हैं, अपने आप को सुखी समझ रहे हैं, ये कितना बड़ा भ्रम है। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौक्षम त्वनंतम। चाहिए तो यह कि जीवन का हम सदुपयोग करें, अभी से, आज से, इसी समय से श्री ठाकुर जी के योग में, भजन में लग जाएं, इससे दिव्य आराधना की जाए, इससे दिव्य साधना की जाए। षट चक्र हैं शरीर में, मूलाधार चक्र मल द्वार में, अधिष्ठान चक्र शिश्न इंद्रिय में, उसके ऊपर मणिपूरक चक्र नाभि में, उसके ऊपर अनाहत चक्र हृदय में, फिर उसके ऊपर आज्ञा चक्र है भौहों के बीच में। ये षट चक्र हैं, फिर आखिर में मस्तक में सहस्रार है, ब्रह्मरंध्र जिसको कहते हैं। इन षट चक्रों में सुषुम्ना नाड़ी 3.5 बार लिपटी हुई है। जो योगी लोग विषय छोड़ते हैं उनकी सुषुम्ना नाड़ी जाग जाती है, और हम लोग जितना ज़्यादा इन इंद्रियों को विषय देते हैं, जितना ज़्यादा इंद्रियों का पोषण करते हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी सुषुप्त अवस्था को प्राप्त होती है, वो सोती चली जाती है। और जितनी विषयों से उपरती होगी, विषयों को हम छोड़ेंगे, गीता जी में भगवान ने इसको बहुत बड़ी साधना कहा है, संयमाग्निशु जुवति, अपनी इंद्रियों का संयम के हवन में, संयम का हवन करो, संयम की अग्नि इनको दो, संयम का यज्ञ करो। जितनी इंद्रियां हैं, तो ये संयम का यज्ञ क्या है? जीव ने कुछ चाह खाना चाह हमने रोक लिया, आंख ने कुछ गलत देखना चाह हमने रोक लिया, ये यज्ञ हो गया। कहीं गलत जगह जाने की इच्छा हुई, हमने अपने आप को समाहित कर लिया, रोक लिया, ये यज्ञ हो गया। अपने आप को विषयों से, गलत विषयों से हमने रोक लिया, ये यज्ञ हो गया। बिना पैसे का यज्ञ, बिना मेहनत का यज्ञ। तो जैसे जैसे हम विषयों से उपराम होते हैं, वैसे वैसे वो सुषुम्ना जागती है, और सुषुम्ना जब जागती है तो वह धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है। इसलिए योगी जन जब उनका शरीर जब छूटता है तो ब्रह्मरंध्र से प्राण जाते हैं, सिर फट जाता है, वहां से प्राण निकलते हैं। जिनकी अधोगति होती है उनके मलमूत्र द्वार से प्राण निकलते हैं, लेकिन योगियों की सीधे ब्रह्मरंध्र फोड़ के और प्राण ऊर्ध्व लोकों में चले जाते हैं। तो विषयों से जितनी उपरती होगी उतनी सुषुम्ना जागेगी, उतनी सुषुम्ना ऊपर चढ़ेगी। अभी हम लोगों की सुषुम्ना नाड़ी सुप्त है, नीचे की ओर पड़ी हुई है, सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। अब कुत्ता योनि है, गधा योनि है, इसमें थोड़ी सुषुम्ना जाग सकती है, नहीं जाग सकती। केवल मानव शरीर ही है जिसमें सुषुम्ना जाग सकती है, और मानव शरीर में भी वो शरीर जो विषयों से उपराम हो रहा है, जो विषयों को छोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। श्री ऋषभदेव जी महाराज ने कहा है, पुंसः स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथिम आहु। हम लोग जानबूझ के बंधन स्वीकार करते हैं, मिथुनी भावमेतम, स्त्री पुरुष का जो मिथुनी भाव है ये सबसे ज्यादा हृदय को दूषित करता है, क्योंकि गृहसुताप्त वित्तई है, इससे क्या है, ममता का क्षेत्र बढ़ता है। आज मेरी स्त्री, फिर कल को फिर बेटा, फिर बेटा का बेटा, फिर उनके लिए जमीन, फिर जायदाद, फिर धन प्रॉपर्टी, ममता का क्षेत्र बढ़ता है। इस मिथुनी भाव से ममता का एरिया बढ़ता है। निवृत्ति धर्म क्यों चलाया गया? महाभारत में एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है कि देखो, कहीं भी प्रवृत्ति धर्म सिखाने के कहीं भी केंद्र नहीं खुले हुए हैं, लेकिन निवृत्ति धर्म सिखाने की बात क्यों की जाती है? एक पशु जिसके अंदर ज्ञान की बिल्कुल कमी है, उस पशु को भी नहीं सिखाया जाता कि विषय कैसे भोगा जाता है।
आंख का विषय कैसे भोगा जाता है या शिश्न का विषय कैसे भोगा जाता है, पशु को भी सिखाना नहीं पड़ता ना मनुष्य को सिखाना पड़ता है, क्योंकि आदमी प्रवृत्त धर्म में तो सदा से ही लगा हुआ है। ये मनुष्य जीवन तो निवृत्त होने के लिए मिला है, छूटने के लिए मिला है, प्रवृत्त होने के लिए नहीं मिला। और इसलिए निवृत्ति धर्म में बड़े कठोर कठोर आदेश दिए गए, बहुत कठोर कठोर आदेश। संतों ने कहा है, ब्याह कनागत कारटो राजधान गृहदान, भगवत जन सेवे इन्हें तो होत भजन में हान। निवृत्ति धर्म में बड़ी कठोर आज्ञाएं दी, जो निवृत्ति धर्म का साधक है उसको विवाह आदि में नहीं जाना चाहिए। कहीं गए, किसी विवाह में गए, मान लीजिए आपकी सूक्ष्म इच्छा जग गई, तब निवृत्ति धर्म सब रखा रह जाएगा। यहाँ तक कहा है बल्कि वहाँ का अन्न भी नहीं खाना चाहिए, विवाह का अन्न नहीं खाना चाहिए, कनागत जो पितृपक्ष में भोज होता है वहाँ का अन्न नहीं खाना चाहिए, कारटो कोई मर जाए तो मृत्यु के अवसर पर जो भोज करते हैं वहाँ का अन्न नहीं खाना चाहिए, राजधान राजाओं का, शासकों का, नेताओं का धन नहीं खाना चाहिए, ये कब चित्त को दूषित कर दे भरोसा नहीं। दान आदि में कैसा दान मिल रहा है इसका कोई भरोसा नहीं, वह भी नहीं खाना चाहिए। और भगवत जन सेवे इन्हें तो होत भजन में हान, अगर कोई भक्त निवृत्ति मार्गी जन इस तरह का अन्न खाता है, स्वीकार करता है, तो उसकी भजन में निश्चित रूप से उसको हानि हानि होगी। तो निवृत्ति धर्म में इसलिए बड़ी कठोर मर्यादाएं रखी गई। श्री छोटे हरिदास जी को केवल मालती देवी से, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर में भक्त हुए छोटे हरिदास जी। श्रीमद् महाप्रभु जी को भात बहुत प्रिय था। एक दिन छोटे हरिदास जी ने सोचा मालती देवी जी के यहाँ से और महाप्रभु जी के लिए भात ले आते हैं, जबकि महाप्रभु जी की कठोर आज्ञा थी, स्त्री शब्द भी नहीं कहते थे, प्रकृति कहते थे, ना स्त्री से संभाषण करें ना स्त्री दर्शन करें, कठोर आज्ञा थी, क्योंकि मन तो बहुत चलायमान है, बहुत चपल है, चंचल है। तो छोटे हरिदास जी ने वहाँ जाकर मालती देवी जी से, वृद्ध थी, वृद्ध माता थी, भात लिया और उनसे थोड़ी सी चर्चा हुई, विलंब हो गया। महाप्रभु जी के सामने जब भात रखा, उन्होंने अपने पूछा हरिदास जी को कैसे विलंब हो गया, तो बता दिया मालती देवी जी के यहाँ भात लेने गए थे, थोड़ी सी चर्चा होने लगी तो विलंब हो गया। तो महाप्रभु जी ने कहा ठीक है, आप हमारे दृष्टि पथ से चले जाइए और आज के बाद आप हमें दिखाई ना पड़े, हम आपको देखेंगे नहीं, आपने प्रकृति से बात की, स्त्री से बात की, और यहाँ तक की स्थिति यह हो गई। श्री परमानंद पुरी जी, जिनको गुरुतुल्य भाव महाप्रभु जी दिया करते थे, उन्होंने भी जाकर प्रार्थना की है, सभी परिकर में सभी भक्तों ने जाकर प्रार्थना की है। छोटे हरिदास जी ने अन्न जल त्याग दिया, बिल्कुल शरीर छोड़ने की स्थिति में सब ने प्रार्थना की महाप्रभु जी से, आप छोटे हरिदास जी को स्वीकार कर ले, शरीर छोड़ देंगे। लेकिन उस समय महाप्रभु जी ने इतना कठोर व्यवहार किया है, बोले शरीर छोड़ दें तो छोड़ दें, प्रकृति संभाषी के लिए यही दंड है, शरीर छोड़े तो भले ही छोड़ दे, लेकिन मैं अब उसको अपना नहीं सकता। तब आखिर में प्रयाग में जाके छोटे हरिदास जी ने शरीर त्याग कर दिया, लेकिन महाप्रभु जी ने उनको अपनाया नहीं, बाह्य रूप से नहीं अपनाया, बाकी तो जहाँ उन्होंने प्राण त्याग किया था वहाँ से निरंतर भगवान नाम की ध्वनि होती थी। तो एक दिन लोगों ने कहा महाप्रभु जी से, ऐसा लगता है भगवान छोटे हरिदास जी की अकाल मृत्यु हुई है, दुर्गति हो गई, जिस जगह शरीर छोड़ा था वहाँ से ध्वनि निकलती है। तो महाप्रभु जी गए हैं, भगवान नाम सुना है, महाप्रभु जी ने कहा अरे भैया दुर्गति होती तो क्या भगवान नाम ही यहाँ से निकलता, भगवान नाम लेने की सामर्थ्य किसी दुर्गति प्राप्त जीव में हो सकती है। और उस दिन से महाप्रभु जी वहीं बैठ के और उनकी कीर्तन सेवा लिया करते थे, वहाँ कीर्तन सुना करते थे और वे सूक्ष्म देह से रोज कीर्तन उनको सुनाया करते थे। लेकिन प्रकट लीला काल में महाप्रभु जी ने एक प्रकृति संभाषी को अपनाया नहीं, इतना कठोर व्यवहार महाप्रभु जी ने किया। चूंकि प्रवृत्ति
का अभ्यास तो हम लोगों को अनादिकाल से है, प्रवृत्ति सिखानी नहीं पड़ती। विषयों में प्रवृत्ति कैसे होती है ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता, सिखाने की आवश्यकता तो निवृत्ति की है। विषयों से निकला कैसे जाता है, विषयों को छोड़ा कैसे जा सकता है, ये सिखाने की चीज है। श्री ऋषभ देव जी महाराज ने कहा है नायक